अभी भूत बन के आके हमको डरा रहा है। जी ठीक है, अब तो सच बोल दे। अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर पिछले दशक की सबसे बढ़िया फिल्म थी, जिसे क्रिटिक्स और जनता दोनों का ढेर सारा प्यार मिला। ऐसी फिल्म जिसके डायलॉग्स, कैरेक्टर्स और गाने आज भी उतने ही फेमस है जितने पहले थे। फिल्म के डायलॉग्स पर तो कितने मीम बने हैं। फिल्म का यूनिक म्यूजिक, बोल्ड कंटेंट, बॉलीवुड मसाला फिल्मों से हटके फिल्म की कहानी, एक से बढ़कर एक एक्टिंग परफॉर्मेंसेस और कश्यप साहब का डायरेक्शन, यही चीजें हैं कि इस फिल्म की कल्ट फॉलोइंग है और इसका शुमार ग्रेटेस्ट इंडियन फिल्मों में होता है। तुमसे ना हो पाएगा और कह के लेंगे जैसे डायलॉग्स हमारे आसपास आज भी कहीं ना कहीं सुनने को मिलते हैं। रामाजीर सिंह से लेकर सरदार खान, फैजल खान से लेकर नासिर खान के एक से बढ़कर एक पावरफुल डायलॉग्स इस फिल्म में है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर के बेस्ट डायलॉग्स लेकर आए हैं। पीयूष मिश्रा, जिन्होंने इस फिल्म का नरेशन किया है और नासिर अहमद का कैरेक्टर प्ले किया है, वो असल में रामाधीर सिंह का रोल करना चाहते थे, मगर अनुराग कश्यप को उनकी आवाज चाहिए थी, इसलिए उन्होंने उन्हें रामाधीर सिंह का रोल नहीं दिया। उन्हीं के नरेशन का ये डायलॉग है। इंसान जो है बस दो नस्ल के होते हैं, एक होते हैं आरामी और दूसरे बेवकूफ, और ये सारा खेल इन दोनों का ही है। अब कब कोई हरामी बेवकूफी पे उतर आता है और कब कोई बेवकूफ हरामजदगी का तालाब बन जाता है, पता ही नहीं चलता। पूरी फिल्म में रामाधीर अपने बेटे जेपी को दबा कर रखते हैं, उसे अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये जो अगला डायलॉग है उस पर न जाने कितने मीम्स बने हैं। अकल रात हुआ थे, सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। हम हिंदुस्तानी सिनेमा पे कितना मरते हैं। सिनेमा हमारे जीवन का एक हिस्सा है, फिल्मों को हम असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। फिल्म में के सभी कैरेक्टर्स किसी न किसी हीरो की तरह बनना चाहते हैं, मगर रामाधीर अकेला ऐसा कैरेक्टर है जो रियल लाइफ और रियल लाइफ का फर्क बखूबी समझता है। आपके दिमाग में अपनी अपनी पिक्चर चल रही है, सब साले हीरो बनना चाह रहे अपनी पिक्चर में। साला हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में आपको बहुत सारे फिल्मों के रेफरेंस सुनने को मिलेंगे। रामाधीर सिंह अपनी बात समझाने के लिए हिंदी फिल्म के एक डायलॉग को कितनी बेहतरी से पेश करते हैं। बेटा जैसा लोहा लोहा को काटता है, वैसा चूतिया है तो चूतियों को मारेगा ना। फिल्म की थीम रिवेंज पर आधारित है। फिल्म में हर किसी को किसी न किसी से बदला लेना है। सरदार खान को अपने बाप का बदला लेना है, मगर वो रामाधीर को सिर्फ एक गोली मारकर खत्म नहीं करना चाहता है, बल्कि उसे तड़पा कर मारना चाहता है। इसी डायलॉग से हिंदी सिनेमा के इतिहास के शायद सबसे बेस्ट डायलॉग का जन्म होता है। रामाधीर सिंह को बड़प्पन का सिरे चढ़ते रोज देखा नहीं जाता, उस हरामी को हमें मिटाना है। गोली नहीं मारेंगे, कह खेलेंगे उसके। फिल्म में रिचा चड्ढा का कैरेक्टर कितना पावरफुल था। रिचा चड्ढा को शुरू में दुर्गा का रोल ऑफर हुआ था, मगर नगमा का रोल करने के लिए कोई तैयार ही नहीं हो रहा था, इसलिए बाद में रिचा को नगमा का रोल ही दिया गया। और जहाँ जाओ निकलते वक्त नहा लेना। अरे कौन कहाँ जा रहा है? खाना खाओ, ताकत आएगा, बाहर जाके बेइज्जती मत कराना। सरदार खान की डेयरिंग और खुद पर उसका भरोसा तो देखिए कि वो रामाधीर के इलाके में जाकर उसे धमकी देता है, और धमकी देने का स्टाइल देखिए जो इस सीन और डायलॉग को आइकॉनिक बनाता है। जनाब अगले 3 घंटे में लड़की सही सलामत अपने घर वापस नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा, और यहाँ के मंत्री श्री रामाधीर सिंह के पूरे खानदान से रंडी का नाच नचाएंगे। हजरात 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 सलाम बजाय। पंकज त्रिपाठी का उदय हिंदी सिनेमा में और सिनेमा फैंस में गैंग्स ऑफ वासेपुर से ही हुआ था। वासेपुर किस तरह से और जगहों से अलग है ये सुल्तान पुलिस को समझा रहे हैं। अरे तो जब सरदार खान मार्केट में निकलेगा तो उसको पकड़ लेना, ठीक है ना। वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपना इज्जत बचाता है। जेपी को इस फिल्म में कोई भी पेल देता है। सरदार खान उनको एसपी ऑफिस में जेपी के पिता रामाधीर सिंह के सामने कुछ बेसिक चीजों के बारे में समझा रहे हैं। विधायक साहब, आड़ चाहे जितना बड़ा हो जाए लाड़ के नीचे ही रहता है। उनको पता नहीं कौन है,
साले विधायक में हाथ लाता तुम। मोसिना और फैजल की यूनिक लव स्टोरी जो कि उन्हीं घिसी पीटी हिंदी रोमांटिक फिल्मों से बहुत अलग है। हुमा कुरैशी को फिल्म की पूरी स्क्रिप्ट पता ही नहीं थी, उनको सिर्फ उनके सीन के डायलॉग ही दिए जाते थे, उनको फिल्म में क्या चल रहा है कुछ पता ही नहीं था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चार दादी इकट्ठी। हम आपके हैं कौन? कब का हट गया? रंगीला देख ली। करण अर्जुन चलना, करण अर्जुन देख के आते हैं, शाहरुख सलमान दोनों है। हाथ पकड़ोगे तो? माँ कसम नहीं पकड़ूंगा। तुम गाल नहीं दबाओगे? माँ कसम नहीं छूंगा। नहीं, गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं ढूंढूंगा। सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं सटूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना, हमारा क्या जरूरत है। अगला जो डायलॉग है वो फिल्म का सबसे फेमस और नवाज के भी एक्टिंग करियर का शायद सबसे फेमस डायलॉग होगा। रामाधीर ने सरदार खान के बाप को, सरदार खान को और उसके बड़े बेटे दानिश को मार डाला है, पर छोटा बेटा फैजल कुछ नहीं कर रहा है, नशे में धुत, गांजा फूकने में व्यस्त। यही बात नगमा को रास नहीं आ रही है और वो अपने बेटे फैजल को बदला लेने के लिए कह रही है। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर तेरा फैजल अगला जो सीन है वो नवाज के लाइफ में रियल में हुआ था। अनुराग कश्यप फिल्म की स्क्रिप्ट एक्टरों को देते वक्त सभी को कहा था कि अपने लाइफ के कुछ मोमेंट्स जो कि आपको याद हो आप शेयर कर सकते हैं, तो ये सीन उसी से निकल कर आया है। का है? मुस्कुरा कह रहे का है? इसे अच्छा थोड़ी लगता है, आपको परमिशन लेनी चाहिए ना। नहीं, हमको लगा कि... क्या लगा? आपको लगा कि जो मर्जी करेंगे, मतलब हाथ लगा लेंगे ऐसे हमको? बॉलीवुड का हम पर जो असर है वो फिल्म के अगले इस डायलॉग में देखने को मिलता है। नवाज बच्चन है कि शशि कपूर ये समझा रहे हैं। और कह रहा है हम तो सोचते थे संजीव कुमार के घर में हम बच्चन पैदा हुए, लेकिन जब आग खुले देखा साला हम तो शशि कपूर है, बच्चन तो कोई और है। रामाधीर एक एक कर फैजल खान के करीबियों को मार रहा है। फैजल खान अपनी जान की परवाह नहीं करता है और रामाधीर को मारना चाहता है, ये इस डायलॉग में देखिए। पहुंचोगे तभी तो कुछ कुछ नहीं ना होने दोगे? गांडू की जान है हमरा है तो अल्लाह लेगा है, मोहल्ला लेगा, पर छोड़ेंगे नहीं मादक को। फिल्म में मनोज के कैरेक्टर का नाम पहले सरदार खान नहीं था। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मनोज ने अनुराग से कहा कि क्या हम इस किरदार का नाम सरदार खान रख सकते हैं? विधायक जेपी सिंह को कूट दिए, एसपी है ऑफिस में, वो भी उसके बाप के सामने। सरदार खान नाम है हमारा, बता दीजिएगा सबको। आज के लिए इतना ही। आपका कौन सा फेवरेट डायलॉग है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।